ये रियलो का G5 का बर्नर है, और इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसकी मोटर वगैरह ना, ये पंप वगैरह जो है, ये पंप जाम हो जाता है, और उसके जाम होने से ये क्या करता है कि मोटर को जाम कर देता है, तो उसमें ये घूम नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या है, ये रेड बत्ती दे देगा, और रेड बत्ती देने पे क्या होगा कि आप इसको बार बार प्रेस करते रहोगे, तो ये घूँ घूँ की आवाज़ करके और फिर दोबारा से जो है रेड बत्ती दे देगा। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, तो आप एक तो यहाँ पे देखोगे ये ढक्कन है इसका, जो डम्पर है, इस डम्पर को हटाओगे जैसे आप यहाँ फिंगर की सहायता से, तो यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा आपको, देख रहे हो ये स्क्रू आपको खोल लेना है, और एक ये स्क्रू आपको खोल लेना है ये वाला। तो ये खोल लोगे तो इससे क्या होगा कि ये प्लेट आपकी निकल जाएगी, प्लेट निकलने से जो इसके अंदर आपको पंखा दिख रहा होगा, वो पंखा वो फिंगर की सहायता से आपको घुमा के देखना है। तो आप जैसे उसको घुमा के देखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा अगर वो जाम होगा, अगर ये जाम होता है इसके अंदर जो पंखा है वो जाम होगा, तो वो बहुत जो है मतलब थोड़ा टाइट चलेगा, और अगर फ्री होगा तो एक बार आप घुमाओगे तो एक चक्कर वो लेके चलेगा, मतलब आप थोड़ा घूमेगा वो, तो आपको ऐसे आप पता चल जाएगा कि वो जाम घूम रहा है या फ्री है। और अगर ऐसी कंडीशन में अगर वो जाम घूमता है तो आपको ये पंप जो है ये अलग करना है। वो अलग आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे देखो आपको ये एलन की बोल्ट दिख रहा है, ये एलन की बोल्ट एक ये है, एक यहाँ पे नीचे की तरफ है, देख पा रहे होंगे इधर, और ऐसे ही एक साइड में होता है इधर की साइड, इधर आप देखोगे तो इधर की साइड की तरफ, जगह कम है इसलिए दिखा नहीं पा रहा, ऐसे मतलब तीन है, वो भी देखो उधर से दिख रहा है, वो देखो वो दिख रहा है ना, उसको आप चार के हल्के से ढीला करके लूज करने हैं इनको, और निकालना नहीं है इनको बाहर, बस लूज करने हैं, लूज करने पे ये निकल जाते हैं, वो हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और ये पंप निकल जाता है अगर आप इनको लूज कर दोगे, लूज करके देख लेना। और आगे की तरफ इसमें जैसे कॉपर वायर लगी हुई है, ये कॉपर की पाइप लगी हुई है, एक इसके नीचे लगी होती है, तो ये दो पाइप होती है, क्योंकि दूसरी पाइप ये आती है यहाँ पे नीचे की तरफ में लगी हुई है, तो ये खुल जाएगा, ये चाबी की मदद से आप 12-13 की, वो 10-11 की जो चाबी होती है उससे आप इसको खोल सकते हो, 10 की तरफ से 11 की तरफ से लग जाएगी, ये खुल जाएगा, और उसके नीचे है वो 6-7 की चाबी से खुल जाता है, क्लास से भी खोल सकते हैं उसको, वो खोल के इसको अलग जब ये आप कर लोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, इस कोयल को आपको खोल लेनी है, ये कोयल निकल जाती है इसके यहाँ से ऐसे करके, तो ये खोल के आप ये जब पंप अलग हो जाता है तो इस पंप को आप हाथ से घुमा के देख सकते हो, इसमें एक शाफ्ट निकलती है, जो शाफ्ट मोटर की शाफ्ट से उसके आर्मी उसके जो है राउटर से जो है वो कंबाइंड होती है, और जो मोटर इसको घुमाती है तो उससे अटैच होती है कपलिंग के, इसमें प्लास्टिक की कपलिंग निकलती है, तो इसको आप अलग कर लेना। अलग करने पर आप इसको फिर दोबारा से एक बार यहाँ पे आप लाइन दोगे, लाइन देने के बाद में जैसे बाहर रहेगा इसके पास रखना, तो इसमें कोयल लगा लेना बस, ये तो क्या होगा कि ये मोटर एक बार आपको अगर फ्री होगी, मोटर आपकी मोटर फूकी नहीं है तो ये मोटर एक बार घूम जाएगी, घूमने पर दोबारा आपको वो दिखा देगी रेड बत्ती, क्योंकि तेल तो आपका चलेगा नहीं, ये आपने अलग कर दिया है, तो ये चीज़ चेक कर लेना एक बार, कि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बर्नर आपका मोटर सही है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ये कैपिस्टर होता है, ये कैपिस्टर जो लगा होता है ये भी वीकनेस वीक हो जाता है, तो मोटर को जो है वो उठा नहीं पाता, ठीक है, तो इसको भी एक एक बार चेंज करके आप देख लो, इसके कनेक्शन यहाँ पे होते हैं, तो मेरी एक वीडियो में है, मैंने ये दिखा रखा है रिमूव करना, ये जो बॉक्स हमारा फ्रिक्वेंस कंट्रोलर है इसको मैंने रिमूव करना बता रखा है कि कैसे ये रिमूव होता है, कैसे निकलता है ये सॉरी, और इसमें यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको लूज करना होता है, इसको लूज करके आप इसको ऐसे पीछे की तरफ को ऐसे, यहाँ एक अंगूठा रखोगे एक यहाँ पे फिंगर, तो ऐसे करके आप इसको निकालोगे तो ये बाहर की तरफ को स्लाइड होके निकल जाएगा, फिर आपको इसको ऐसे बिठा के ऐसे लगा देना और ये स्क्रू हल्का टाइट कर देना है, तो ऐसे ही निकलता है। तो बस ये चीज़ होती है कि जब आपका बर्नर आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बर्नर चेक करने के लिए, और इसमें बाकी तो नोजिल है, ये पंप है, पंप में कभी कभी हो जाता है कचरा वगैरह आ जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है पंप को, तो तब भी जो है पंप जाम हो जाता है, या आप कोई अदर तेल चला रहे हो या फिल्टर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हो, तो तब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन तभी बनती है जब आप फिल्टर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिल्टर वगैरह अच्छे से टाइम पे चेंज कर दिया करो, और बस यही चीज़ें होती हैं, और तो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पंप की वजह से ये दिखता रही है।
प्रॉब्लम आ जाती है। और एक तब आती है मोटर, तो मोटर तब फूकेगी जब आपकी हाई वोल्टेज आ जाएगी। और उससे पहले तो ये सीक्वेंस कंट्रोलर हो जाता है कि सीक्वेंस कंट्रोलर ख़राब होगा, बहुत कम चांस बनते हैं इसके मोटर फूकने के, वो भी तब जब आप इसको जो है इसका ये पंप जाम हो जाएगा, तब होता है ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। और बाकी की कोई अगर कोई कमी आती है आपके बर्नर में, कोई कमी आ रही है, तो उस कमी को, उस प्रॉब्लम को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहाँ तक होगा हम आपके जो है कमेंट्स का जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसके वीडियो भी बनाएंगे। और अगर बर्नर की हो, कोई गैस की बर्नर हो, एलपीजी हो या एलडीओ हो या डीजल का कोई भी बर्नर हो, आप हमारे को कमेंट्स करके बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसका किस तरीके का सलूशन चाहिए, हम वो सब कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।